everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. Finally, मैं एक fragrance related video कर रही हूँ अपने channel पे. अगर आप लोग मेरे channel को काफी time से follow कर रहे होंगे, तो आपको ये चीज़ पता ही होगा that my biggest pet peeve is people smelling bad and I like to smell good all the freaking time. मेरे साथ पता दिक्कत भी ये कि I have extremely sensitive nose, so मुझे सारे fragrances suit नहीं करते and I always look for smells and fragrances जो मुझे headache ना दे. और आज की वीडियो में मैं आपको जो भी फ्रेग्रेंसेस दिखाने वाली हूँ उससे बिल्कुल भी मुझे हेडेक नहीं होता है. सो हाँ, अगर आपके साथ भी ये दिक्कत है कि यू नो परफ्यूम से आपको हेडेक होता है, तो आप ये सारे फ्रेग्रेंसेस डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो. दे आर सम लाइक माइल्ड फ्रेग्रेंसेस, सम लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर फ्रेग्रेंसेस, बट दे वोंट गिव यू एनी हेडेक. सो आई हैव इन टोटल ऑफ 7 डिफरेंट अफोर्डेबल परफ्यूम्स अंडर 500 रुपीज. मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस है. सम ऑफ द फ्रेग्रेंसेस स्मेल सो गुड लाइक दे स्मेल लाइक अ लग्जरी परफ्यूम. सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. फर्स्ट अप, आई हैव प्लम बॉडी लविंग ऑडे परफ्यूम in the fragrance Hawaiian Rumba. This is my second purchase of this perfume. The price of this perfume is 295 rupees for 15 ml of product. This comes in a very sturdy good quality glass packaging aur ye perfume bilkul bhi leak nahi hota hai. Packaging isliye bhi important hoti hai kyunki aap perfume ko like reapply kar sako, apne go to bags mein rakh sako. Kuch kuch packaging perfume ke aise hain jo main aapko dikhaungi jo mujhe मतलब पसंद नहीं है, बट परफ्यूम्स अच्छे हैं, यू नो स्मेल अच्छा है उसका. एनीवे, लेट्स टॉक अबाउट द स्मेल. लेट मी स्प्रे इट हियर. सो दिस परफ्यूम हैज अ वेरी रिफ्रेशिंग फ्रूटी कोकोनटी स्मेल टू इट. ऐसा लगता है कि आप कोई बीची वेकेशन में गए हो, यू नो ये परफ्यूम वैसा स्मेल करता है. और इसका फ्रेग्रेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है, इट इज वेरी माइल्ड, इट वोंट गिव यू हेडेक एट ऑल. दिस परफ्यूम के लास्ट ऑन योर बॉडी फॉर अप टू 10 आवर्स. और मेरे हिसाब से दिस इज लाइक अ एवरीडे काइंड ऑफ अ परफ्यूम. मेरा जो पहला बॉटल था वो पूरा इसलिए भी खत्म हो गया था कि मैं उसको डेली डेली अप्लाई करती थी और इतना छोटा ही था वो बॉटल. इसी सेम फ्रेग्रेंस में, दैट इज हवाईयन रुम्बा में, प्लम का बॉडी मिस्ट भी अवेलेबल है. सो बॉडी मिस्ट और परफ्यूम में ना लास्टिंग पावर का डिफरेंस होता है. दिस बॉडी मिस्ट के लास्ट अप टू 3 आवर्स ऑन योर बॉडी. सो उनका बॉडी मिस्ट कम्स इन अ वेरी स्टीडी प्लास्टिक पैकेजिंग और इसका स्प्रे भी काफी अच्छा है. लेट मी जस्ट स्प्रे दिस हियर. जैसे मैंने आपको बताया, डिटो वैसे ही स्मेल करेगा जैसे उनका परफ्यूम स्मेल करता है. एंड इफ यू रियली वांट टू लाइक स्मेल लाइक दैट पर्टिकुलर सेंट थ्रू आउट द डे, आप लेयर कर सकते हो अपना परफ्यूम. नहाने के बाद बॉडी मिस्ट अप्लाई किया, फिर परफ्यूम अप्लाई कर दिया और आप वैसा स्मेल करोगे थ्रू आउट द डे. सो इस बॉडी मिस्ट का प्राइस है 525 रुपीज फॉर 150 ml ऑफ प्रोडक्ट. मेरे पास भी उनका कूपन कोड है Shalini15, आप चाहो वो भी यूज कर सकते हो और ये आपको अंडर 500 रुपीज का मिल जाएगा. नेक्स्ट परफ्यूम इज मसाबा बाय नायका. दिस इज इन द फ्रेग्रेंस फ्री स्पिरिट. द प्राइस ऑफ दिस परफ्यूम इज 299 रुपीज फॉर 16 ml ऑफ प्रोडक्ट. मुझे ना इसके आउटर पैकेजिंग में ही परफ्यूम को रखना पड़ता है. पहली चीज तो ये कि इसका पैकेजिंग इतना क्यूट है दैट आई रियली डोंट वांट टू थ्रो दिस. बट रीजन वो नहीं है मेजरली. रीजन ये है कि इसका जो ग्लास पैकेजिंग है ना, ये इतने अच्छी क्वालिटी का नहीं है. अगर आपसे थोड़ा सा भी गड़बड़ हो गया या आपके हाथ से स्लिप किया तो तुरंत टूट जाएगा. ये वैसा पैकेजिंग है इसका. ऑल्सो फॉर सम रीजन उन्होंने ये छोटे वाले परफ्यूम को अच्छे से सिक्योर नहीं किया, तो यहाँ से ऐसे ही खुल जाता है जिसकी वजह से इसमें लीकेज काफी होता है. उसी की वजह से ये परफ्यूम बैठे बैठे अपने पैकेजिंग में उड़ जाता है. दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक अबाउट दिस पैकेजिंग, जो कि प्लम की परफ्यूम के साथ ऐसा नहीं है. उन्होंने अच्छे से इसको सील किया हुआ है. नाउ कमिंग टू फ्रेग्रेंस, लेट मी जस्ट स्प्रे दिस हियर. दिस वन स्मेल्स फ्रूटी, पेपरी एंड मस्की. बहुत ही लग्जरियस स्मेल है इसका और माइल्ड सब परफ्यूम है ये. फॉर सम रीजन दिस परफ्यूम काम्स मी डाउन, इट जस्ट रियली लिफ्ट्स अप माय मूड. ऑल्सो इसका जो बेस नोट है ना, दैट्स वेरी मस्की. मैं बेस नोट की बात कर रही हूँ. मैंने आपको बताया नहीं कि परफ्यूम के 3 नोट्स होते हैं, टॉप नोट, मिडिल नोट या हार्ट नोट भी कहते हैं उसे, और होता है बेस नोट. टॉप नोट कुछ 15 से 20 मिनट तक लास्ट करता है. जो मिडिल नोट होता है दैट कैन लास्ट फॉर अप टू लाइक 30 मिनट्स टू 1 आवर. और जो बेस नोट होता है वो ज्यादा समय तक लास्ट करता है. वो डिपेंड करता है परफ्यूम टू परफ्यूम की कितना समय तक लास्ट करेगा, बट इट कैन स्टार्ट फ्रॉम लाइक 4 आवर एंड कैन गो अप टू लाइक 10-15 आवर्स. दिस परफ्यूम हैज लास्टेड ऑन माय बॉडी फॉर अप टू लाइक 4 to 5 आवर्स. दिस डेफिनेटली स्मेल्स लाइक अ एक्सपेंसिव लग्जरी परफ्यूम. दिस इज माय ऑल सीजन इवनिंग टू नाइट स्मेल. आई विश उन्होंने इसकी पैकेजिंग थोड़ी और स्टीडी बनाई होती. नेक्स्ट परफ्यूम इज बाय प्लम बॉडी लविंग ऑडे परफ्यूम इन द फ्रेग्रेंस एवरीथिंग प्लम. इसके पैकेजिंग की ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ, दैट मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है इसका पैकेजिंग. प्राइस फिर से आपको बता देती हूँ, 295 रुपीज एंड यू विल गेट 15 ml ऑफ प्रोडक्ट. सो लेट मी जस्ट स्प्रे दिस परफ्यूम इन हियर. जैसे आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो ना, एक सिट्रसी सा स्मेल हिट करता है एंड वंस दिस विल लाइक सेटल डाउन इन टू योर स्किन ऑन योर क्लोथ, इट स्मेल्स वेरी स्वीट, फ्रूटी एंड वेनिला लाइक. परफ्यूम का स्मेल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दैट इट विल गिव यू हेडेक. अगेन दिस परफ्यूम हैज अ वेरी माइल्ड स्वीट स्मेल टू इट, एक लग्जरी सेंशियस परफ्यूम जैसा स्मेल करता है. Which I truly like. This is again an everyday kind of a smell, and मैं इसको दिन में रात में कभी भी पहन सकती हूँ. So again, everything plum can last on your body for up to 10 hours. Next perfume is by Masaba by Nykaa. I think they have like 5 or 6 different fragrances. मेरे पास तो दो ही हैं जो मुझे पसंद है. एक तो already आपको बता दिया. दूसरा है Uptown Girl fragrance का नाम है. Again, the price of this perfume is 299 rupees for 16 ml of product. Packaging मुझे पसंद नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया. अब fragrance की बात करते हैं. Let me just spray this in here. मैं इधर उधर क्यों स्प्रे मार देती हूँ इन हियर.
ओके जैसे आप परफ्यूम को स्प्रे करते हो एक स्वीट सा फ्लोरल सेंट आपको हिट करेगा और ये पर्टिकुलर एक फ्लावर की तरह स्मेल करता है, पता है किसकी तरह? जैस्मिन फ्लावर की तरह, जो मोगरा फ्लावर होता है वैसा आपको ये स्मेल हिट करता है। दिस इज वन ऑफ सच सेंट कि आप इसको लगा के रूम में एंटर करोगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि किसी ने एक फ्लोरल सा स्मेल लगा के रखा हुआ है। सो इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोरल स्मेल टू इट। मुझे इसका स्मेल पसंद है, इट डजंट गिव मी हेडेक एट ऑल। सो दिस परफ्यूम जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट फॉर अप टू 4 to 5 hours और जितने फ्रेग्रेंसेस मैं आपको बता रही हूँ ना स्पेशली विद ईडीपी, वो एक बार आपकी स्किन में सेटल हो जाते हैं ना आपकी स्किन के पीएच के साथ वो थोड़ा सा मिक्स मैच होते हैं एंड देन इट गिव्स अ वेरी यूनिक सेंट टू यू। और मैंने खुद ने नोटिस किया कि मैं ये परफ्यूम को तब अप्रोच करती हूँ व्हेनेवर आई एम वेयरिंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक इंडियन वेयर। आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फील कि ये उसको बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है उस लाइक इंडियन वेयर को, which is like very stupid of me to like even say this, but yeah, मैं कभी कभार according to my attire perfume pick करना पसंद करती हूँ। Next I have a body mist by Plum Body Loving, again this is in the fragrance vanilla. So smell तो मुझे आपको describe करने की ज़रूरत ही नहीं है, it has like a sweet vanilla scent to it and smells so freaking good. अगर आपको vanilla smell पसंद है ना तो you're gonna like it a lot. मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसे top में रखना चाहिए था because this is like a base for all the perfumes that I've shown you so far. अब मैंने क्यों बोला कि ये base है मेरे perfume के लिए, क्योंकि vanilla एक ऐसा fragrance और स्मेल है जो कि मिक्स और मैच काफी अच्छे से हो जाता है दूसरे फ्रेग्रेंसेस और स्मेल के साथ, और काफी परफ्यूम्स में वनीला नोट में होता ही है। सो दिस वोंट ओवर पावर दैट परफ्यूम फ्रेग्रेंस और स्मेल, बट अगर आप इसको ऐसे बेस अप्लाई कर दोगे उसके ऊपर दूसरा परफ्यूम अप्लाई कर दो तो वो परफ्यूम थोड़ा और अच्छे से महकने लगेगा, उसकी लॉन्जिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी, साथ साथ वो एक यूनिक सा स्मेल और फ्रेग्रेंस आपको देगा पर्टिकुलरली फॉर योर बॉडी। सो दैट्स व्हाई आई लव वनीला। मुझे लगता है ये एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो हम सबके पास होना ही चाहिए टू क्रिएट योर ओन कस्टम फ्रेग्रेंस विद दिस। तो प्लम के इस बॉडी मिस्ट का वनीला परफ्यूम भी आता है। दिस बॉडी मिस्ट के लास्ट फॉर अप टू 3 hours ऑन योर बॉडी। द प्राइस ऑफ दिस बॉडी मिस्ट इज 525 rupees फॉर 150 ml ऑफ प्रोडक्ट। बट जैसे मैं आपको बताया, आई डू हैव अ कूपन कोड दैट इज Shalini15। यू कैन यूज माय कूपन कोड और आपको 15% ऑफ मिल जाएगा ऑन योर परचेसेस फॉर प्लम प्रोडक्ट्स ऑन देयर वेबसाइट। एंड आई फील लाइक प्लम ना बॉडी के प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छा बनाता है, बी इट्स देयर बॉडी लोशन, शार जेल, बॉडी मिस्ट, फ्रेग्रेंसेस। और बहुत अच्छी बात यह कि दिस इज अ क्रूल्टी फ्री वीगन ब्रांड। नेक्स्ट परफ्यूम इज अ वेरी अंडररेटेड परफ्यूम, दिस इज कॉल्ड अर्दी स्पेल बाय द ब्रांड चुंबक। The price of this perfume is 495 rupees for 15 ml of product. Yes, ये थोड़ा pricey as compared to the perfumes that I showed you, क्योंकि आपको quantity से 15 ml मिल रही है, but इसका fragrance बहुत ही ज़्यादा शानदार है, you guys. पहले आपको packaging बता देती हूँ, बहुत ही अच्छे quality का glass packaging है इसका, steady भी है, leakage बिल्कुल नहीं होता है perfume का। अपना जगह नहीं बची मेरे पास perfume apply करने के लिए, तो मैं यहाँ apply कर देती हूँ। So this perfume smells very sweet, exotic, fruity, floral, and a bit of musky smell to it. Luxury smell है एकदम इसका, and I can also smell sandalwood in this perfume. So इसका जो base है ना उसमें sandalwood ज़्यादा है, so आपको sandalwood का smell आएगा जब ये अच्छे से settle हो जाएगा आपकी body में। This can last for up to like 7 to 8 hours. इसका lasting power भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। So इसका नाम ना एकदम सही है, earthy smell, क्योंकि एकदम homely तो smell करता है ये, but sensuous भी smell करता है ये। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये smell, and this is more like my night date out kind of a smell. Last I have a body mist by Global Desi. This is in the fragrance Star Gaze, and the price of this body mist is 350 rupees for 200 ml of product. So इसका जो fragrance है, it's very refreshing, aquatic, musky smell है इसमें. So इसका prominent musky सा smell आता है. It's very mild and it can last for up to 3 hours on your body. I like to apply this on an everyday basis. Sometimes I will use this for a base for my perfume, जिसमें musk का कोई base note होगा. जैसे Masaba by Nykaa Free Spirit का musk base note है, तो मैं इन दोनों को अच्छे से pair कर सकती हूँ. In fact ये जो चुंबक का earthy smell है ना, इसमें भी हल्का सा musk की base note है. So मैं इन दोनों को भी pair कर सकती हूँ और बहुत ही unique सा fragrance मुझे मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाता है परफ्यूम। और ऐसे दोस्त हमें टॉप 7 परफ्यूम स्लैश बॉडी मिस्ट डिफरेंट फ्रेग्रेंसेस अंडर 500 rupees। आई रियली होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई रियली होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मजा है होगा। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो जल्द, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो कौन सा फ्रेग्रेंस में आप इंटरेस्टेड हो। अगर आपने इनमें से कोई फ्रेग्रेंस ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है तो लेट अस नो अबाउट दैट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below, क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ती हूँ ही, दूसरे लोग भी कमेंट्स पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स हेल्प ईच अदर आउट, एंड आई एम गोना सी यू गाइस प्रीटी सून विद अ ब्रांड न्यू कंटेंट ऑन दिस चैनल। बाय एवरीवन, टेक केयर।